नमस्कार, बीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर दिन अपने आप में खास होता है, हर दिन का अपना महत्व होता है और इतिहास के पन्नों में इसे दर्ज भी किया जाता है। हालांकि कुछ पल बेहद ही अच्छे होते हैं तो वही कुछ पल आंखों को नम कर जाते हैं। हमेशा ही इतिहास हमें कई चीजें सिखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें हर दिन का महत्व पता होता है, जिसके चलते बीसीएन लाया है आप सभी दर्शकों के लिए बीसीएन दिन विशेष यह स्पेशल कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे हर दिन का विशेष महत्व। इसी के तहत बीसीएन विशेष में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बिना वक्त जाया किए डालते हैं आज के इतिहास पर एक नजर। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और विश्व संस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बेहद प्रभावी तरीके से भारत का रुख स्पष्ट किया था। साल 1977 से 2003 तक बतौर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपनी वाकटपटुता के लिए मशहूर वाजपेयी ने साल 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री पहली बार यूएनजीए के 32वें सत्र को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में मैं नया हूँ, लेकिन भारत नहीं है। हालांकि इस संगठन के साथ मैं इसके आरंभ से ही बेहद सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ। वाजपेयी ने इस ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि एक ऐसा शख्स जो अपने देश में 2 दशक और उससे अधिक समय तक सांसद रहा, लेकिन पहली बार राष्ट्र को इस सभा में हिस्सा लेकर अपने अंदर विशेष अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। यह पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने यूएनजीए में अपना भाषण हिंदी में दिया था, क्योंकि वैश्विक मंच पर प्रमुख भाषा होने के कारण अन्य भारतीय नेता अंग्रेजी भाषा का चयन करती थी। कहा जाता है कि वाजपेयी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के लिए उस वक्त हिंदी के चयन के पीछे उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी को उभारना था। जानवर मनुष्य के हमेशा ही सबसे अच्छे दोस्त साबित होते रहे हैं। मनुष्य ने अपनी सभ्यता की शुरुआत से ही जानवरों के साथ बेहतरीन दोस्ती बना कर रखी और उसका नतीजा यह है कि आज जानवर हमारी कई जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बदले हमने जानवरों को क्या दिया है? उन्हें भीगर कर दिया, उन्हें ही अपना भोजन बना लिया और जो कभी हमारे परम मित्र हुआ करते थे उन्हें अपना परम शत्रु बना लिया है। इसी के चलते पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में हर साल 4 अक्टूबर के दिन को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 4 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। अक्टूबर 4 को असीसी की सेंट फ्रांसिस में सम्मान में चुना गया है, जो जानवरों के लिए पशु प्रेमी और संरक्षक संत थे। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस इस अवसर पर जनता को एक चर्चा में शामिल करने का अवसर पैदा करता है, जो जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारों के उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है। पशु अधिकार संगठनों, व्यक्तियों और सामुदायिक समूहों ने इस दिन पर दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम पृथ्वी ग्रह को जानवरों के साथ साझा करते हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें भी हमारे जैसे मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाए। माना जाता है कि विश्व पशु दिवस को पहली बार एक जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन द्वारा मनाया गया था। 4 अक्टूबर को इसे मनाने के लिए प्रारंभिक विचार के बावजूद, जो सेंट फ्रांसिसी की दावत का दिन होता है, इसे 24 मार्च 1925 को आयोजन स्थल की चुनौतियों के कारण बर्लिन में मनाया गया। इस आयोजन में लगभग 5,000 लोग इकट्ठे हुए। 4 अक्टूबर के बाद इसे वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरू में इस आंदोलन को जर्मनी में मनाया गया और धीरे धीरे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे आसपास के देशों में भी इसकी लोकप्रियता जा पहुंची। 1931 में फ्लोरेंस इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस के रूप में 4 अक्टूबर को मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और अनुमोदित किया। आइए अब डालते हैं एक नजर कि आज के दिन किन महानुभवों का जन्म हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल सरला अग्रवाल का जन्म 1927 में हुआ। वही 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में इसी दिन हुआ।
साथ ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्याम जी कृष्णा वर्मा का जन्म 1857 में इसी दिन हुआ। आइए अब जानते हैं कि आज के दिन किन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा था। भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदादा नागेश्वर राव का निधन 2015 में इसी दिन हुआ। इसी दिन भारतीय सेना के एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 1968 में हुआ। बीसी न्यूज के दिन विशेष में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।